हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, क्या आपके एरिया में लाइट की कटौती होती है और आप चाहते हैं कि काफी बजट में आपको एक इमरजेंसी लाइट मिल जाए जो कि रात में जब लाइट चली जाए तो आपको बैकअप प्रोवाइड करे? तो उसके लिए दोस्तों मार्केट में आपको काफी सस्ता ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको बोलते हैं रिचार्जेबल LED बल्ब। कोई कोई उसको इन्वर्टर बल्ब भी बोलता है, कोई कोई उसको इमरजेंसी बल्ब भी बोलता है, जिसमें दोस्तों क्या होता है कि वो देखने में एक नॉर्मल LED बल्ब की तरह ही लगता है, लेकिन उसके अंदर आपको मिलती है बैटरी जो कि जब आप उसको बल्ब होल्डर में लगा देंगे तो वो बैटरी चार्ज होती रहती है जब आपके घर पे लाइट आती है, और जैसे ही लाइट चली जाती है तो वो बल्ब बैटरी से पावर लेके आपको रोशनी देने लग जाता है। दोस्तों, ये जो बल्ब होते हैं ये नॉर्मल बल्ब से थोड़े से हैवी होते हैं क्योंकि इनके अंदर आपको बैटरी मिलती है। तो अगर आप एक ऐसा बल्ब खरीदने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज है कि कौन सा खरीदें, तो आप एक बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंडिया में मिलने वाले 5 बेस्ट इमरजेंसी बल्ब के बारे में, और उनको खरीदने से पहले आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी और आपको भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों, अगर पहले बात करूं मैं इनकी ड्रॉबैक की, यानी कि इनके अंदर एक छोटी सी कमी होती है जो होती है कि जब आप इस बल्ब को नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पे चलाएंगे, जब आपके घर पे लाइट आ रही होगी तो चलाएंगे, तो इसमें आपको रोशनी ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि नॉर्मल देखने को मिलेगी। लेकिन जब लाइट चले जाती है और ये बैटरी से पावर लेने लग जाते हैं तो इनकी जो रोशनी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम नहीं होती, लेकिन हाँ आपको डिफरेंस जरूर दिख जाएगा। अब बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो दोस्तों जो पहला पॉइंट होता है वो होता है वॉटेज का। तो अगर आपको एक छोटे कमरे में बल्ब लगाना है तो नॉर्मली आप एक 9 वॉट का बल्ब ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका रूम बहुत बड़ा है या फिर आपको किसी ओपन एरिया में लगाना है तो आप एक ज्यादा वॉटेज का बल्ब खरीदें। नेक्स्ट पॉइंट होता है ब्राइटनेस का। तो दोस्तों, किसी भी LED बल्ब या किसी भी लाइट की ब्राइटनेस को मेजर किया जाता है ल्यूमिन्स में। तो आपको जनरली जो बल्ब देखने को मिलते हैं मार्केट में उनमें 1 वॉट पे 80 से 100 ल्यूमिन्स मिलते हैं, यानी कि अगर आप एक 9 वॉट का बल्ब लेंगे तो उसमें आपको 800 से 900 ल्यूमिन्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको काफी अच्छी रोशनी मिल जाती है। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि आप एक ज्यादा से ज्यादा ल्यूमिन्स वाला बल्ब ही खरीदें क्योंकि उसमें आपको ज्यादा रोशनी मिलेगी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट होता है बैटरी का, कि आपको उसमें किस टाइप की बैटरी मिल रही है। लिथियम आयन बैटरी मिल रही है, लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल रही है। जनरली आपको लिथियम आयन बैटरी ही देखने को मिलती है, और वो कितने mAh की मिल रही है, यानी कि mAh का मतलब होता है मिली एम्पायर, यानी कि जितनी ज्यादा mAh की बैटरी होगी उतना ज्यादा आपको बैकअप मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है बैकअप का और चार्जिंग टाइम का। तो दोस्तों, जितने भी आपको मार्केट में बल्ब देखने को मिलते हैं सब में जनरली आपको 3 से 4 घंटे का बैकअप मिल जाता है, और वो चार्ज होने में लेते हैं 8 से 10 घंटे। नॉर्मली आप किसी भी ब्रांड का खरीद लीजिए, सब में आपको यही बैकअप और यही चार्जिंग टाइम देखने को मिलेगा, कुछ परसेंट कम या ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, जो कि एक काफी अच्छा पॉइंट होता है क्योंकि दोस्तों जो बल्ब आप ले रहे हैं उसके अंदर आपको बैटरी देखने को मिलती है, और वो बैटरी एक बार फुल हो जाए तो उसके बाद चार्ज नहीं होनी चाहिए, उससे बचाता है ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, जिससे आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो बढ़ती है और जो बल्ब है वो भी सेफली काम करता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट होता है वारंटी का। तो जितनी ज्यादा वारंटी आपको मिलेगी उतना ज्यादा अच्छा होगा, और आज की वीडियो में जो भी इमरजेंसी बल्ब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सभी एक अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड से आते हैं, तो उनके ऊपर आपको मिनिमम 1 साल की वारंटी तो मिलेगी ही मिलेगी, और क्योंकि वो बड़े ब्रांड हैं तो आपको उसके सर्विस सेंटर भी लगभग हर एरिया में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमेशा ध्यान में रखने होते हैं कोई भी इमरजेंसी इन्वर्टर बल्ब खरीदने से पहले, चाहे आप ऑनलाइन खरीदें या फिर ऑफलाइन। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉप 5 बेस्ट इमरजेंसी बल्ब इन इंडिया। दोस्तों, नंबर 5 पे है विप्रो का गार्नेट इमरजेंसी बल्ब। इसमें आपको एक B22 टाइप का होल्डर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इंडिया में जो होल्डर टाइप यूज किया जाता है वो होता है B22, जिसके अंदर आपको नीचे 2 क्लिप्स देखने को मिलती हैं जो कि आपके होल्डर में लग जाती हैं और फिट हो जाती हैं, लेकिन आपको दूसरी कंट्रीज में जैसे कि US वगैरह में आपको E27 होल्डर टाइप के बल्ब देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको चूड़ियां देखने को मिलती है। इसको आपको एक स्क्रू की तरह होल्डर में कसना होता है। इसमें आपको 9 वॉट की पावर मिल जाती है, और इसमें आपको मिलती है 2600 mAh की लिथियम आयन बैटरी, जो कि आपको अप टू 4 घंटे तक का बैकअप प्रोवाइड कर देती है, और दोस्तों चार्जिंग के लिए ये लेती है लगभग 8 से 10 घंटे। इसमें आपको ओवर चार्ज प्रोटेक्शन मिल जाती है, और इसमें आपको एक वाइड वोल्टेज रेंज मिल जाती है जो कि वेराई करती है 120 वोल्टेज से लेकर 300 वोल्टेज तक, यानी कि अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है तो ये बल्ब उसको झेल लेगा। इस पे आपको मिलती है 1 साल की वारंटी, और अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 400 रुपए के आसपास। और दोस्तों, ये जो प्राइस मैंने आपको बताई है या फिर आगे आने वाले बल्ब के बताने वाला हूँ, ये सभी वीडियो बनाते समय के प्राइस हैं। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो इनकी जो प्राइस है वो कम या ज्यादा हो गई हो, या फिर इन पे कोई सेल या ऑफर चल गया हो,
तो इसीलिए जितने भी इमरजेंसी बल्ब आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप इनकी करंट प्राइसेस को चेक कर सकते हैं और इन पे कोई सेल ऑफर चल रहा हो तो उसको भी चेक कर सकते हैं, खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। दोस्तों नंबर चार पे है सिस्का की री एनर्जाइज इमरजेंसी बल्ब। ये भी एक B22 टाइप का बल्ब है और इसमें आपको मिलती है 9 वाट की पावर। इसमें आपको 2300 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है जो कि आपको अराउंड 3.5 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देंगी। चार्जिंग के लिए ये लेता है 8 से 10 घंटे और इसमें आपको मिल जाती है ओवरचार्ज प्रोटेक्शन। इसमें आपको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, यानी कि अगर आपके एरिया में वोल्टेज ज्यादा आती है तो ये उसको भी झेल लेगा और खराब नहीं होगा। इस पे आपको मिलती है 1 साल की वारंटी और इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 550 रुपए के आसपास। नंबर तीन पे है फिलिप्स का इमरजेंसी बल्ब। इसमें आपको B22 टाइप होल्डर मिलता है और इसकी जो पावर है वो है 9 वॉट। इसमें आपको 1200 mAh की दो लिथियम आयन की बैटरी मिल जाती है, यानी कि आपको टोटल 2400 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि आपको अराउंड 4 घंटे का बैकअप प्रोवाइड करेंगी और चार्जिंग के लिए ये भी 8 से 10 घंटे ले लेती है। इस पे आपको मिलती है 1 साल की वारंटी और अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 550 रुपए के आसपास। दोस्तों नंबर दो पे है हेलोनिक्स प्राइम इमरजेंसी बल्ब। इसमें आपको B22 टाइप होल्डर मिलता है और इसमें आपको मिलती है 9 वॉट की पावर। इसमें आपको 2600 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है जो कि आपको प्रोवाइड करती है अराउंड 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप। चार्जिंग के लिए ये भी 8 से 10 घंटे ले लेती है और इसमें आपको मिलती है 900 ल्यूमिन्स की ब्राइटनेस, तो ये बल्ब काफी ब्राइट होने वाला है। इसमें आपको वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन मिलती है जो कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन को झेल लेती है और इस पे आपको मिलती है 1 साल की वारंटी। अब अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 380 रुपए के आसपास। दोस्तों काफी कम प्राइस पे आने वाला काफी अच्छा बल्ब है अगर आपको एक कम बजट में इमरजेंसी बल्ब खरीदना है तो। नंबर एक पे है बजाज का इन्वर्टर बल्ब। इसमें आपको B22 टाइप होल्डर मिल जाता है और इसमें भी आपको मिलती है 9 वॉट की पावर। फुल चार्ज पे आपको अराउंड 4 घंटे तक का बैकअप प्रोवाइड करता है और चार्जिंग के लिए लेता है 8 से 10 घंटे। इसमें भी आपको 900 ल्यूमिन्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है और इसमें आपको मिलती है ओवरचार्ज प्रोटेक्शन और ओवरहीट प्रोटेक्शन। इस पे आपको मिल जाती है 1 साल की वारंटी और अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 380 रुपए के आसपास। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में जितने भी बल्ब मैंने आपको दिखाए सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां पे जाके आप इनकी और डिटेल्स चेक कर सकते हैं और खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।